नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा शो मेडिकली स्पीकिंग और मैं हूं प्रेरणा। दोस्तों, हाल के दिनों में हमने देखा है कि देश में आई फ्लू के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर देश की राजधानी और NCR में। ऐसे में ना सिर्फ व्यस्कों के लिए जरूरी है कि वे अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें, बल्कि छोटे बच्चों को भी इससे बचाए रखने के लिए जरूरी उपाय आजमाएं। वैसे भी बच्चों की इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है और आई फ्लू जैसी तेजी से फैलने वाली समस्या उन्हें आसानी से हो सकती है। दोस्तों, आई फ्लू बैक्टीरिया और वायरस के कारण फैलती है, जिससे आंखें लाल हो जाती है, खुजली होने लगती है और आंखों से पानी बहता रहता है। हालांकि ये समस्या गंभीर नहीं है और कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। इसके बावजूद जरूरी है कि आप बच्चों को इस समस्या से बचाए रखने के लिए कुछ उपाय आजमाएं। तो चलिए आपको बताते हैं। इन दिनों बच्चों से कहें कि वे अपने हाथों को हमेशा साफ रखें। अगर किसी गंदी चीज को छुआ है, बाहर खेलकर आए हैं या फिर स्कूल से घर लौटे हैं, हर बार उन्हें कहें कि साबुन से हाथों को अच्छी तरह रगड़कर धो लें। इसके अलावा आप उन्हें हाथों को सैनिटाइज करने की सलाह भी दे सकते हैं। दोस्तों, बच्चों को समझाएं कि इन दिनों आई फ्लू काफी ज्यादा फैल रहा है, ऐसे में बार बार अपनी आंखों को छूना नुकसानदायक हो सकता है। बच्चों को यह भी बताएं कि हाथों में जर्म्स और बैक्टीरिया आसानी से पनपने लगते हैं। इन्हीं गंदे हाथों से अगर आंखों को छुआ जाए तो इन्फेक्शन या इरिटेशन का खतरा बढ़ सकता है। आप अपने बच्चों को संक्रमित व्यक्ति यानी जिसे आई फ्लू है उससे दूर रहने की सलाह दें। ये बात आप जानते ही होंगे कि आई फ्लू आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है, इसलिए संक्रमित व्यक्ति को ना छुए और ना ही उसके आसपास जाएं। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियां हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारा शो मेडिकली स्पीकिंग। धन्यवाद।